हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी के स्कूल एडमिशन 2024 की बात करेंगे। 2024 में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं अगर आप क्लास 9वीं और साथ में क्लास 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। जो ऑफिशियल आपकी नोटिस आई है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, और साथ में हम लोगों के चैनल के हिसाब से भी आपको जो है सिलेबस जारी किया गया है डिटेल्स में, कौन कौन से टॉपिक वाइज आपको जो है सिलेबस पढ़ना है सभी चीज़ों की बात हमने किया है, तो वहाँ पर भी आप देख लीजिएगा। और साथ में ये हम जो है ऑफिशियल सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो क्लास 9वीं की बच्चे या बच्चियाँ जो तैयारी करें, अगर मैं उनकी बात करूँ तो क्लास 8वीं स्टैंडर्ड का इसमें बोला जा रहा है, बट आपको जो है क्लास 7th और साथ में आपको जो है क्लास 8th और हल्का आपको जो है क्लास 9th, ठीक है, ये सारे आपको जो है क्लासेस को एक अच्छे फॉर्म में आपको जो है पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपका जो है 100 MCQ आपके जो है क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसमें आपके जो है 20 क्वेश्चन इंग्लिश से, 20 आपके हिंदी से, 20 मैथमेटिक्स से, 20 आपका जो है सोशल साइंस है, और साथ में आपका जो है 20 आपके साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल आपके जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका जो है 3 मार्क्स का रहने वाला है, 300 आपका जो है पेपर रहने वाला है। अगर आप जो है 85% प्लस, ठीक है, ये 85 नहीं लिखा मैंने, 85% प्लस लाते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी सीटों की कन्फर्मेशन हो जाती है। आप कोशिश करिएगा कि 100% जो है आप एग्जामिनेशन में अपने आप जो है पेपर को अटेम्प्ट करिए। उसके लिए कैसे फॉर्म में प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर आप हम लोगों के साथ ऑनलाइन कोर्सेस या ऑफलाइन कोर्सेस में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नंबर भी आपको जो है नोट डाउन कर दे रहा हूँ, 8795-55-3272, ठीक है, इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट करके हम लोगों की क्लासेस के रिगार्डिंग आप जो है ज़्यादा ऑफरमेशंस पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स ग्रुप से, जो क्लास 11th के बच्चे हैं मैथमेटिक्स ग्रुप से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो है हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और साथ में जो है जनरल स्टडीज़, यहाँ पे आपको जो है डिटेल्स में नहीं लिखा गया है, मैं बता दे रहा हूँ, 25 क्वेश्चन आपके जो है फिजिक्स से, 25 क्वेश्चन आपके जो है केमिस्ट्री से, और 25 आपके मैथमेटिक्स से, और आपका जो है 10 और 10 हिंदी इंग्लिश से, और आपके जो है 5 क्वेश्चन आपका जो है जनरल स्टडीज से आपका जो है पूछा जाएगा। इस तरीके से आपके जो है टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपका मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में आपका जो है मैथमेटिक्स, उसको बहुत ही एक अच्छे फॉर्म में प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। बायोलॉजी ग्रुप में मैथमेटिक्स की जगह रिप्लेस कर दीजिए बायोलॉजी को, और सारा जो है आपका जो है कंपोजिशन उसी तरीके से आपका फॉर्म होता है, 10 क्वेश्चन हिंदी से, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से, 25 बायो से, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और 5 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज से। जनरल स्टडीज में किस तरीके की स्टडी, तो वह आपका जो है करेंट अफेयर, जो आपके लेटेस्ट करेंट अफेयर होते हैं पिछले 1 साल के, उससे आपके क्वेश्चन बनाने की संभावनाएं होती हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स ग्रुप से, आर्ट्स ग्रुप में बच्चियों की संख्या ज़्यादा होती है और साथ में आर्ट्स से ज़्यादातर बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, तो इसमें मैं बात कर दूँ तो हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स और साथ में आपके जो है जनरल स्टडी। मैथ्स से भी आपके जो है मैथ्स एंड आपके जो है जनरल स्टडी को मिला के जो है केवल 5 क्वेश्चन आपके जो है मैथ्स से ही पूछे जा सकते हैं, बट कन्फर्मेशन नहीं कि पूछे जाएंगे, ठीक है। और साथ में आपका जो मेन सब्जेक्ट है उससे आपके जो है ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आपके जो है 15 और 15 का कंपोजिशन देखने को मिलता है, और मेन आपका जो है सोशल स्टडीज से, जिसमें आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथ में पॉलिटिकल साइंस का रोल रहता है। अगर आप कॉमर्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपका इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और साथ में जनरल स्टडी आएगा, उसमें आपके इकोनॉमिक्स वाले पोर्सन से आएंगे जो कॉमर्स में रिक्वायरमेंट होती है, और साथ में आपको हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सिलेबस को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा, और साथ में अगर आपको डिटेल्स में सिलेबस चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर रहने वाला है 8795-55-3272, 87-95-55-32-72। और साथ में अगर आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर की डिमांड करते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है, उस ऐप को डाउनलोड करिए और साथ में अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे फॉर्म में करिए। कोई दिक्कत आती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है सिलेबस के रिगार्डिंग, तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद
दोस्तों के साथ भी थोड़ा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।